हाय फ्रेंड्स, अनीता दावत में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो हम व्रत में खा सकते हैं। अभी श्रावण चल रहा है और नवरात्रि भी आ रही है, तो आप इसमें ये खा सकेंगे। तो चलो बनाते हैं आलू भाखरवड़ी या आलू रोल। हम बनाने जा रहे हैं व्रत की आलू की भाखरवड़ी, जो आप सावन के व्रत में, नवरात्रि के व्रत में भी खा सकते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए, ये है उबले हुए आलू, ये है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये है जिंजर और ग्रीन चिली की पेस्ट, और ये है कोरिएंडर लीव्स, और ये है सॉल्ट एंड तिल सिसम सीड, और ये है नींबू का रस जो हम डालेंगे। ऑयल तो है हमें ये आटा गूंदने के लिए, और ये जो व्रत का आटा है ये मिक्स है, चार फ्लोर इसमें मिक्स है, जिसकी रेसिपी और मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये है जीरा और सॉल्ट जो हम ये आटा गूंदने के लिए उसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम आटा बना लेते हैं, इसका डो बना लेते हैं, जिसमें हम डाल रहे हैं सॉल्ट और ये साबुत जीरा और ये थोड़ा सा ऑयल। करीबन दो से तीन हल्दी, लाल
ये हमारे रोल बनके रेडी हो गए हैं। अब हम उसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं। अब हमने जो ये फ्रिज में रखा था वो निकाल लिया है बाहर, और अब हम इसकी स्लाइस कट कर लेते हैं। तरह हम सब स्लाइस कट कर लेते हैं। ये हमारी आलू भाखरवड़ी की स्लाइस रेडी हो गई है। अब हम उसे फ्राई कर लेते हैं। हमारा ये तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें ये फ्राई कर लेते हैं। इसे हमें पिंक और क्रिस्पी होने तक तलना है। ये हमारी क्रिस्पी और पिंक हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये हमारी व्रत में खाने वाली आलू की भाखरवड़ी या आलू रोल रेडी हो गई है, जो बहुत टेस्टी और चटपटी है, जिसे आप श्रावण के व्रत में या नवरात्रि के व्रत में भी खा सकते हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।